आज है शनिवार, कल संडे है और कल हमें काफी सारा काम वाम करने वाला बाकी है। अभी कल लाइव भी करना है और ज्यादा जानकारी के लिए आप कल के लाइव में आ सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक चेस्टन का वेल्डिंग मशीन मैंने मंगाया था जो मैंने अभी तक चालू करके नहीं देखा है। ये इसकी पैकिंग ये ऐसी आई थी जैसा ये मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। ये घिसम का डब्बा आया था और इसके साथ एक वेल्डिंग ग्लास जिसको लगा के हम वेल्डिंग मशीन को चला के देख लेते हैं चलती है भी या नहीं। और एक ये ब्रश आया है ईंटें साफ करने वाला, इतना ब्रश और दो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भी आए हैं इसके साथ। तो हम अभी इस मशीन को चला के देख लेंगे, ये निकाल लेते हैं। होल्डर और अर्थिंग वायर जो है ये लगभग होल्डर वायर 2 मीटर और अर्थिंग की जो वायर है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर। तो अभी इधर लगा देंगे और मशीन को चालू करेंगे, देखते हैं। वायर जो है अर्थिंग केबल की और होल्डर की बहुत ही बहुत 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 नाजुक है, बिल्कुल भी हैवी नहीं कह सकते इसे। और इसको तो इस साइड में कर देते हैं ताकि ये लगाया हमने अर्थ और ये हमने होल्डर लगाया। और अब मशीन को चालू कर देंगे इधर से और कंप्लीट रिव्यू आपको आने वाले दिनों में देसी मशीन रिव्यू में देखने मिलेंगे। या तो ये मशीन लगभग 5,000 रुपये की मैंने अमेजन से खरीदी है और इसका कंप्लीट रिव्यू आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा। होल्डर बहुत ही हार्ड है, मतलब टाइट है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को अच्छे से पकड़ता है। और इसे हम चलाएंगे अभी, यहाँ पे चला लेते हैं। करंट बहुत कम है, लगभग 130 जब एम्पीयर करते हैं तब ये रेगुलर 10 नंबर का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड चलाने में सक्षम है। और अभी चल रही है मशीन 205 पे और अब चल रही है 226 पे। अब मुझे पता नहीं है कौन सा ऑर्डर किया था मैंने, इसके ऊपर वैसे लिखा हुआ 225, तो करंट ठीक है 225 एम्पीयर के हिसाब से। वेल्डिंग मशीन इस प्राइस रेंज में 4,500 से 5,000 रुपये में मैंने ये खरीदी थी, अच्छी मशीन है। और कंप्लीट रिव्यू तो आपको आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। और अभी के लिए इसको हम रख देते हैं। ये है चेस्टन की वेल्डिंग मशीन 227 एम्पीयर मैक्सिमम जो एम्पीयर है वो इसमें अवेलेबल है। और ये एक चश्मा इसके साथ आता है जो कि मार्केट में 20-30 रुपए में मिल जाता है। और इसी के साथ दो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आती है और एक ये ब्रश आता है, इससे आप कुछ साफ वगैरह कर सकते हैं। तो ये है 4,500-5,000 रुपये का। और आपको हो सकता है प्राइस में आने वाले दिनों में फ़र्क मिले, लेकिन अभी जो मुझे जिस तरह की ये मिली है मशीन जितने रुपए में वो मैंने आपको बताया है 4,500 से 5,000 रुपये में ये मैंने अमेजन से खरीदी है। इसका कंप्लीट रिव्यू आपको आने वाले दिनों में हमारे YouTube चैनल पे देसी मशीन रिव्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैंने और भी बहुत सारी वेल्डिंग मशीनों के रिव्यू किए हैं जो कि ऊपर आई बटन में आप देख पाएंगे देसी मशीन रिव्यू में, जो कि बढ़िया बढ़िया वेल्डिंग मशीन है।